अगर ऐसा मेंटेनेंस मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, वो किसके आगे हाथ फैलाएगी? ठीक है ना, वो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है, तू तो दूसरी शादी कर लेगा, तू ये तो राइट है, तू तीसरी भी कर लेगा, एक के होते हुए दूसरी भी कर लेगा, तीसरी, वो लड़की कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्या नाम है आपका? नाम युसरा है। अच्छा, तो आप कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कि हर महिला को, मुस्लिम महिला को खर्चा मिलेगा? मैं सेटिस्फाइड हूँ इस फैसले से, आई एम टोटली सेटिस्फाइड, होना चाहिए, बिकॉज एक लड़की होने के नाते हर गर्ल्स को एक ये है, राइट है कि उसका मेंटेनेंस उसे मिलना चाहिए, बिकॉज टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उसकी लाइफ में कितना अप डाउंस आते हैं, कोई सपोर्ट में खड़ा नहीं होता, ना कोई फादर होता ना ब्रदर, बिकॉज सबकी अपनी सेपरेट लाइफ होती है, शादी के बाद तो कोई किसी को नहीं देखता, सबकी सेपरेट लाइफ होती है, तो भाई मेंटेनेंस बनता है, ठीक है, ताकि उसको भी सबक मिले सामने वाले को, ताकि वो भी सामने केस करते हुए या ये तलाक देते हुए 10 बार सोचेगा, ठीक है ना। तो जब तक ये केस चलता है तो मेंटेनेंस बनता है, 101% उसका राइट है। और हाँ, अभी तक ये हो रहा था क्या? अभी तक कुछ मेंटेनेंस के तौर पर मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं मिल रहा था। मेरे सामने भी ऐसा केस है जो चल रहा है मेरे आसपास, तो उसमें यही है, इसमें कोई नहीं होता, लड़की का ही टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, और इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है, जितना भी उसका एक्सपेंडिचर है, तो भाई उसे मिलना चाहिए। सही बात है। अच्छा, जब लड़की तलाक उसको दे दिया जाता है और वो इधर उधर भाग दौड़ कर रही है, कोर्ट के चक्कर काट रही है, उसके साथ कोई होता है, कहाँ से खर्चा उठाती है अपना? बस थोड़ा बहुत जो उन्हें आता है वो कहीं से मैनेज करती है, अगर थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है तो वो ट्यूशन देती हैं, या फिर थोड़ा बहुत वो सीखती हैं उसी दौरान, अपने आप कुछ करने की कोशिश करती हैं, बट मैंने देखा है कोई सपोर्ट नहीं करता, मतलब घर वाले भी नहीं करते, कहाँ से करेंगे वो, जब इतनी कमाइयाँ नहीं होती कहाँ से करेंगे, वो तो अपना खुद करेंगे ना, ज़िंदगी की लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ती है, तो लेकिन फिर वही वाली बात है ना, वो लड़ाई लड़ने के लिए भी सामने वाला उसको वो दे, वो होना चाहिए उसका राइट। अच्छा, तो एक आदमी जब 3 तलाक देता है तो वो दूसरी शादी कर सकता है क्या? ऐसा है आप मुस्लिमों में कि औरत भी दूसरा निकाह कर रही है? नहीं, जब तक अगर वो उसके निकाह में, जब तक वो तलाक नहीं देगा इस बारे में तो सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज वो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो रूल्स हैं ना, हमारे इस्लामिक रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, बट ये लोग उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ये लोग गलत हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है मेल डोमिनेशन इसको गलत यूज़ हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जब तक लड़की एक, वही वाली बात है कि एक चीज़ से आज़ाद नहीं होगी दूसरी जगह कहाँ कदम उठा सकती है, वही वाली बात हो जाती है कि एक औरत के दो दो हस्बैंड, दो दो बाप, बच्चों के नहीं, पहले इस जगह से। मगर इसका फ़ायदा जो है आदमी बहुत गलत उठा रहे हैं, और इसका सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। लड़ो तुम केस, लड़ो, तुम्हारे पास पैसा है, लड़ो, वो भी लड़ेगी अपने हक के लिए, मगर मेंटेनेंस दो ताकि वो अपना खर्च उठा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ के ही ये फैसला लिया होगा मुस्लिम महिलाओं के लिए। लेना चाहिए, और उनका राइट है और उन्हें लेना चाहिए, अच्छा किया है उन्होंने। अगर ऐसा मेंटेनेंस मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, वो किसके आगे हाथ फैलाएगी? ठीक है ना, वो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है, तू तो दूसरी शादी कर लेगा, तू ये तो राइट है, तू तीसरी भी कर लेगा, एक के होते हुए दूसरी भी कर लेगा, तीसरी, वो लड़की कहाँ जाएगी? तो आप मानती हैं कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ है इन पिछले सालों में? हुआ है, बिकॉज कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था इस बात पे, वो खुद ही सरवाइव कर रही थी, खुद ही फाइट कर रही थी इस चीज़ से, कहाँ से लाएंगी, है ना, लॉयर हायर करेंगी वो, इतनी उनकी कमाई आमदनी होती नहीं, हर कोई सेल्फ डिपेंड नहीं होता, किसी को पता नहीं होता इन फ्यूचर हमारे साथ ये हो जाएगा, किसी को नहीं पता होता हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा है, मगर उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना जो पैसा है कमाई कहाँ से लाएंगी वो, तो भाई उनको मिलना चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए, और ये होना चाहिए। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने ये फैसला? वेल डन, सही क्या है, होना चाहिए ऐसा, ये फैसला बिल्कुल ठीक है, और उनका पूरा खर्चा देना चाहिए, उनकी जमीन जायदाद में भी हिस्सा देना चाहिए बिल्कुल। पहले होता था क्या ऐसा? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, वो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगी, वो तो छोड़ के अलग हो गए हैं, और कोर्ट तो कुछ भी कहता रहता है, लेकिन ये फैसला ऐसा होना चाहिए, उनकी हर चीज़ पूरी होनी चाहिए, बच्चों का खर्चा पूरा होना चाहिए, और प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा होना चाहिए, प्रॉपर्टी में भी हिस्सा बिल्कुल होना चाहिए जी। अच्छा, पहले जब शौहर 3 तलाक बोलकर चले जाते थे पत्नी को छोड़कर, तब क्या होता था आपके साथ, मतलब महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या होता था? छोड़ दिया करते थे, ऐसे ही बेकार कर देते थे, बेचारी बेकार रहती थी, मेहनत मजदूरी कर रही हैं, दुनिया वाले जीने नहीं देते कि गलत चल रही है, गलत उंगलियाँ उठाते हैं लोग बाग जी, बहुत ज़्यादा गलत उंगलियाँ, लड़की का जीना ही हराम हो जाता है, और ज़रा ज़रा सी बातों पर तलाक हो जाती है,
तो तलाक के बाद ना खर्चा देना, ना लड़की को रखना, ना बच्चों का खर्चा उठाना, तो इससे एक महिला की ही जिंदगी खराब हो रही है। सिर्फ महिला की होती है, आदमी तो फिर शादी कर लेता है दूसरी, उसको तो दूसरी शादी भी नहीं करनी होती क्योंकि वो अपने बच्चे पालती है, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी होती है और दोनों परिवारों को उसे अपना इज्जत भी रखनी होती है। क्या कोई मुस्लिम पुरुष दोबारा अपनाता है उसको, अगर उसके साथ बच्चे हैं तो मुस्लिम नहीं अपनाता, नहीं अपनाता, कह देते हैं कि इसके बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा। आदमी दो कर ले कोई बात नहीं, तीन कर ले कोई बात नहीं, औरत अगर गलत अगर आदमी से वैसे भी बात करती है पर्सनली तो भी उस पर इल्जाम लगा देते हैं। बाकी उनका फैसला सही है, मुझे सही लगा है मोदी जी का, उसके लिए मैं कहती हूँ कि धन्यवाद। आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाँ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तीन तलाक तो खत्म कर दिया था मोदी जी ने, बंद कर दिया था, फिर उसके बाद भी तीन तलाक हो रहा है क्या? फिर भी हो रही है, हाँ हो रही है, तीन तलाक भी हो रहा है, सब काम हो रहा है, मगर इन्हें क्या नाम, मैं तो यही कहती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये निकाला है तो अच्छा है कि हो सकता है औरतें घर में बैठें, मगर ये जो तीन शादी हैं, चार शादी हैं, ये भी ख़त्म कर दें तो बहुत बढ़िया होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे भी है ना क्या नाम कोई एक्शन उठाए ना कि एक की एक ही औरत रहेगी, एक की दूसरी नहीं होगी, तो मुझे बहुत और ज़्यादा खुशी होगी। तो अभी भी ऐसा हो रहा है कि एक औरत के बाद दूसरी भी आ रही है, तीसरी भी आ रही है? हो रही है, हाँ ऐसा हो रहा है। कैसे एडजस्ट करते हैं, मतलब कैसे रह रहे हैं तीन तीन बीवियाँ एक साथ? बस ये कह देते हैं कि हमारे नबी ने करी है तो हम भी कर रहे हैं। नबी ने करी है? हाँ हमारे नबी ने करी थी तो हम भी कर रहे हैं। अच्छा। वो ये कह देते हैं, ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं। आप मानती हैं ऐसा, ये सही है क्या? मेरे हिसाब से तो अगर आदमी का रोजगार है, कारोबार है, तो मैं कहती हूँ दो छोड़ दस कर ले, और अगर कारोबार नहीं रोजगार नहीं है तो एक पे ही है ना क्या नाम रहे, एक को ही क्या नाम समझे। रोजगार हो ना हो, अभी आप कह रही है कि औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो दस कैसे? अगर रोजगार होगा तो दस दस करने देंगी आप? नहीं नहीं करने देंगी ना। ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि रोजगार है तो दस कर लो? मतलब ये सोचते हैं ना कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम कर सकते हैं। हाँ। तो अगर उनके पास पैसा है, बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं कि भाई वो कहती हैं हमें पैसा दे तू हमारी तरफ से दस कर ले, तो ऐसे भी ये है नहीं, तो पहलू दोनों तरफ के। औरतें सही है कि गलत है? गलत है, गलत है ना? हाँ अपने पति को किसी के साथ बांटना तो गलत है, ये तो गलत है। तो ये जो अभी आपके मर्द हैं या फिर मुस्लिम समुदाय के जो जितने भी मर्द हैं, ये यही कह के पल्ला झाड़ते हैं हमेशा औरतों से? यही पल्ला कह के झाड़ लेते हैं कि हमारे ने क्या नाम नबी ने करी है तो हम भी हमारे यहाँ जायज़ हैं, ये कह देते हैं। तो औरतों को तलाक देना सही है? मतलब अगर आप अपने शोहर को तलाक देंगी तो आप दूसरा निकाह कर सकती हैं, आपसे कोई निकाह कर लेगा? नहीं नहीं करेगा, नहीं। और आपका शोहर आपको तलाक दे के दूसरा निकाह करता है तो उनका निकाह हो जाए? उनका निकाह हो जाएगा और जायज़ भी है वो। जायज़? हाँ वो जायज़ भी है। आपका दूसरा निकाह जायज़ नहीं है, उनका दूसरा निकाह जायज़? जायज़ है, हाँ। अच्छा। हमारा नहीं है, हम नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। मेरा नाम परवीन है। अच्छा तो आंटी जी, जिस तरीके से हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि जब मुस्लिम महिला का तलाक होता है तो उसके शोहर उसको खर्चा नहीं देता है उतना, तो देना अभी चाहिए। देना चाहिए खर्चा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को भी पूरा अधिकार मिलेगा, तलाक के बाद उनको खर्चा दिया जाएगा, आप खुश हैं इस फैसले से? जी खुश हैं, मिलना चाहिए औरत को, हक मिलना चाहिए उसका, औरत का हक मिलना चाहिए। अभी तक हक मिल रहा था क्या? मिलता है, सही से मिल रहा था? मतलब आप जो चाह रही थी, अगर तलाक ले लिया, तीन तलाक हो गया, मेरी नहीं हुई भी नहीं, मतलब किसी का अगर तीन तलाक हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है उस महिला के साथ? कुछ नहीं होता, महिला इद्दत करती है और अपने घर बैठ जाती है, अपने घर बैठ जाती है। आदमी को खर्चा देना चाहिए उसका। हाँ, वैसे नहीं देते थे, अपने घर में करते थे, जो खर्चा पानी हो तो करता ही है आदमी। महिला के घर वाले करते थे? नहीं नहीं, महिला के घर वाले क्यों करेंगे, आदमी करता है। अगर आदमी नहीं होगा तो फिर उसके घर वाले करेंगे, आदमी खर्चा देगा। तलाक के बाद भी आदमी करता था खर्चा कि नहीं करता था? देना चाहिए कोर्ट के हिसाब से, तो देना चाहिए आदमी को। अब तो देगा ही, कोर्ट ने बोल दिया, अब तो देना पड़ेगा। हाँ, तो खुश हैं आप इस फैसले से? बिल्कुल। बहुत खुश है। चलिए, तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकार कहीं ना कहीं मारे गए हैं, आपको लगता है ऐसा? मारे गए हैं। बहुत दुख होता है ये सोच के कि हमारे अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। जी जी, बहुत दुख होता है, परेशानी होती है कि क्या नाम है, हमारे अधिकार छीने जाते हैं। कौन छीनता है, क्या ऐसा लिखा है आपका जो कानून है, जो मुस्लिम कानून है, जो शरिया मानते हैं, या फिर कुछ कुरान में ऐसा लिखा है क्या? नहीं नहीं, कुरान में ऐसा नहीं लिखा भाई, ये लिखा है क्या नाम है, हाँ भाई औरत को औरत का हक मिलना चाहिए हर तरीके से, तो वो मिलना चाहिए, वो उसका अधिकार है। तो वो कौन लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं, जो कुरान में लिखा है वो भी नहीं मानते?
कुछ लोग हैं यहाँ से? नहीं नहीं, हमारे मुस्लिम में मानते हैं, हमारे मुस्लिम में कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मानता। हाँ अच्छा है, होना चाहिए ऐसा, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? और जब आपको पता होगा आपके रिलेटिव्स में भी कभी अगर तलाक हुआ देखा होगा आपने किसी का, तो ऐसा हुआ है कि महिला परेशान हो रही है भत्ता लेने के लिए और कोर्ट की तरफ से या फिर उसके शौहर की तरफ से उनको भत्ता ना मिल रहा हो? हाँ नहीं मिलता, परेशान होती हैं बेचारी, परेशानी रहती हैं इस तक जी, बिल्कुल होना चाहिए। तीन तलाक दे देते थे पहले, फिर उसके बाद महिलाओं का खर्चा नहीं उठाना, बच्चे हैं तो बच्चों का खर्चा नहीं उठाना, परेशानी होती होगी? बिल्कुल बहुत परेशानी होती, क्यों नहीं होती, परेशानी होती है। क्या करती थी फिर महिलाएं? महिला क्या फिर देखना होता है उन्हें भी बेचारियों को, इधर उधर काम धंधा और क्या करेंगी फिर ऐसे में, फिर उसके बाद भी सुनना होता है कि बाहर जाती हैं क्या है क्या नहीं कैसा नहीं, तब भी टॉर्चर होती हैं वो, टॉर्चर होती हैं बिल्कुल, मतलब उसके बाद भी हर तरीके से महिला को ही झेलना पड़ता है, ही झेलना पड़ता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से तमाम मुस्लिम महिलाएं जो हैं काफ़ी खुश है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनको तलाक के बाद जो अधिकार मिलना चाहिए शौहर से वो नहीं मिलता था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि अगर मुस्लिम महिला को कोई शौहर उनका तलाक देता है तो उनका पूरा खर्चा शौहर उठाएगा, उनके बच्चों का भी खर्चा उनका शौहर उठाएगा। और ये जो है भारत में चलता आया है कि हर महिला के लिए एक ऐसा लॉ बनाया गया है कि अगर उसको उसका पति तलाक देता है तो उनका खर्चा और उसकी जिम्मेदारी जो है उसका पति उठाएगा, लेकिन ये जो पूरा मैटर था ये मुस्लिम महिलाओं के लिए बिल्कुल अलग था। मुस्लिम महिलाओं के लिए ये कहा गया था, जैसे कि राजीव गांधी ने 1986 में इस प्रावधान में चेंज ला दिए थे और कहा था कि जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को अगर उनका शौहर तलाक देता है तो 90 दिन की जो प्रक्रिया रहती है तलाक के दौरान की, उस दौरान तो उनको खर्चा दिया जाएगा लेकिन उसके बाद उनका शौहर उनको खर्चा नहीं देगा, ना ही उनका खर्चा उठाएगा, ना बच्चों का ना उनकी बीवियों का। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया है और साथ ही कहा है कि जैसे हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं को उनके अधिकार मिलते आए हैं तलाक के बाद, वैसे ही मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेंगे और मुस्लिम महिलाओं में इसे लेकर खुशी की लहर है और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग इस पर अग्री कर रहे हैं और सहमति जता रहे हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छा फैसला लिया है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।